साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक कुवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ द लाइफ सॉल्यूशंस फाउंडेशन, बिहेवियर काउंसलर एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट। साथियों, ये हमारा मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करते हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जो ताकि नए नए मोटिवेशनल वीडियोस का आप तुरंत लाभ पा सकें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की। आपने कई लोगों से सुना होगा और आपने भी इस शब्द को यूज किया होगा कि यार समय नहीं है। साथियों, आपको यह भी पता है कि हर इंसान को 24 घंटे का समय मिला हुआ है। हमारी जो प्रकृति है उसने हमें 24 घंटे का समय दे रखा है और सभी इंसान के लिए 24 घंटे समान हैं। और उन्हीं 24 घंटे के अंदर एक इंसान जिसे खाना खाने के लाले पड़े हैं और एक इंसान ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है। साथियों, ऐसा परिवर्तन क्यों, ये आखिर इतना अंतर क्यों है और समय प्रबंधन क्या होता है, क्या जरूरत है इस समय प्रबंधन की और क्या होगा समय प्रबंधन करने से, आज हम इन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों बने रहिए आप। सबसे पहली बात करते हैं कि समय प्रबंधन की जरूरत क्यों है, आखिर क्या जरूरत है समय प्रबंधन की, आपने इस समय प्रबंधन को क्यों महसूस किया है। साथियों, कहीं ना कहीं आपका समय बिखरा हुआ है। आप जो काम करना चाहते हैं उस काम को आप समय पर नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको किसी काम को करने की डेडलाइन आपने तय कर रखी है उस डेडलाइन तक आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको समय प्रबंधन की जरूरत है। दूसरी बात कि आपके पास एक से अधिक काम है और उन कामों में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि कौन से काम को पहले करना चाहिए, कौन से काम को बाद में करना चाहिए, किस काम को करूं और किस काम को नहीं करूं, तब आपको समय प्रबंधन के महत्व की जरूरत पड़ती है। साथियों, समय प्रबंधन की मूल जरूरत होती है कि आपने पहले यह तय कर रखा हो कि वास्तव में आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं और फिर उस दिशा में वो करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत को शेड्यूल करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए समय प्रबंधन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सफलता में जितना आप मेहनत करते हैं। साथियों, जितनी मेहनत करते हैं वो मेहनत यदि व्यवस्थित ढंग से की जाए, टाइम के अकॉर्डिंग की जाए, तो आपको वो चीज याद भी रहती है। समय प्रबंधन याददाश्त को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यदि कोई सर्विसमैन हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रोजमर्रा काम करने वाले इंसान हैं, आप जो कोई भी हैं, आपको समय प्रबंधन की हर फील्ड में जरूरत पड़ती है। यदि आपने समय प्रबंधन अभी तक नहीं किया है तो साथियों इसको करने की क्या जरूरत है और इसको करने से क्या होगा, ये आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, समय प्रबंधन करने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज का स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि आपको समय प्रबंधन की आखिर जरूरत क्या है, आखिर जरूरत क्या है, क्या आपका गोल है, क्या आपका लक्ष्य आपने तय कर रखा है जिसे आप अचीव कर पा रहे हैं। लक्ष्य तय करने के लिए यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे उस वीडियो पर जाकर तुरंत प्रभाव से देख लें कि आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइम बाउंड। लक्ष्य आपका टाइम बाउंड होना चाहिए और वो टाइम बाउंड के अंदर जब जाके पूरा हो पाएगा जब तक आपने उस टाइम तक का शेड्यूल तैयार कर रखा होगा। इसलिए साथियों समय प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सफलता में।
अब समय प्रबंधन क्या होता है, कैसे करें समय प्रबंधन, और समय प्रबंधन करने के लिए आपको YouTube पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप वीडियोस मिलेंगी, कई तरीके के नियम मिलेंगे। आप खुद यह सोचेंगे कि क्या समय प्रबंधन इन नियमों के द्वारा पॉसिबल है। साथियों, मैं आपको एक बात जरूर बताने वाला हूं कि जब जागो तभी सवेरा, कभी भी देरी नहीं होती है और कभी भी जल्दी नहीं होती है। यदि आपको किसी काम को करना है और आपके दिल ने जवाब दे दिया, दिल ने गवाह दी है कि इस काम को अभी करना है, तो आप अभी शुरुआत कर सकते हैं उस काम को करने की। कभी भी शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें, क्योंकि साथियों, शुभ मुहूर्त का इंतजार करने में आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा और तब तक पता नहीं आपका दिमाग कहां तक पहुंचेगा। तो इसलिए आपको जब जिस काम को करने की इच्छा होती है तब उस काम को करिए। जब जागो तभी सवेरा। समय प्रबंधन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आज के समय की क्या सारणी है आपकी। अब आपके ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि आज के समय की सारणी कैसे तय करें। साथियों, आज के समय की सारणी का मतलब यह है कि आप आज तक जो आप जिस तरीके से जिस समय जो जो काम करते आए हो, उस समय वो काम करना। कौन से काम करना, आप कितने बजे उठते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात समय प्रबंधन की, आप कितने बजे उठते हो सुबह और रात को कितने बजे सोते हो, ये दोनों टाइम आप डायरी में नोट कर लें। फिर सुबह उठने के बाद में आप क्या क्या करते हो और कब कब करते हो। आप सुबह उठे, उठने के बाद में आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में आपने नाश्ता किया, खाना खाया, आप ऑफिस के लिए निकले और ऑफिस के अंदर कितना समय आपने गुजारा, ऑफिस से निकलने के बाद में आपने दोस्तों के साथ कितनी गपशप की, आप घर कितने बजे पहुंचते हैं, आप घर पहुंचने के बाद में आप फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उस टाइम के बाद में आपने कितना टाइम खाने में लगाया, कितना टाइम आपने मोबाइल देखने में लगाया, कितना टाइम आपने टीवी देखने में लगाया और कब आप सोए। ये सारी चीजें आज तक जो आप करते रहे हैं उसको आने वाले 3 से 4 दिन तक वैसा ही करते रहे और वैसा ही करके उसको डायरी में नोट करते रहे। आप सुबह कितने बजे उठे, उठने के बाद में आपने कितने बजे क्या क्या काम किया। कोई भी बदलाव नहीं करना है, 3 से 4 दिन तक केवल अपने आप को ऑब्जर्व करना है। आपकी जो शेड्यूल बना हुआ है उस बने हुए शेड्यूल को ही ऑब्जर्व करना है, उसमें बदलाव नहीं करना है कुछ भी। जब आप ऑब्जर्व करके और आपने यह तय कर लिया, आपने यह नोट कर लिया कि कौन से समय पर और कितने समय तक आप कौन सा कार्य करते हैं, आप ऑफिस में 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उस 8 घंटे के अंदर आपको कितना समय मिलता है और उस समय में आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें आप एक डायरी में नोट कर लें। टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 से 5 तक मैं एक्सरसाइज करता हूँ, 5 से 6 तक मैं ये काम करता हूँ, उस तरीके से नोट कर ले। केवल बदलाव ना करें, ओनली नोट करना है। उसको नोट करने के बाद में, ये काम एक दिन में नहीं करना है, ये काम आपको 3 से 4 दिन तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और 3 से 4 दिन तक जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के शेड्यूल को आप डायरी में नोट कर लोगे, तब आपको खुद को यह एहसास होगा कि वास्तव में आपका समय कहां कहां जा रहा है। ठीक है साथियों, पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात शुरू करते हैं कि जो आपने समय नोट किया है उस समय में से कौन से आपके इंपॉर्टेंट काम है, जो काम आपको करने ही करने हैं, अब जो काम आपको करने हैं, उस काम के अंदर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। लेकिन जिन कामों को आप वेस्ट समझते हैं कि यार मैं इस काम को नहीं करूं, जैसे कि आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं, आप दोस्तों के साथ गपशप करते हैं,
आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि उस समय को यदि आप ऐसा समझते हैं कि यह समय मैं बचा सकता हूं और इस समय को जिस काम में मुझे लेना है, जैसा कि मुझे पढ़ने में लेना है, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आप वहां ले सकते हो, कि मुझे वहां पर लेना है तो उसको केवल शिफ्ट करना है, उसको केवल उस समय को केवल शिफ्ट करना है। कई लोगों ने आपने देखा होगा कि ऐसा आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 से 5 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूंगा, 5 से 6 बजे तक मैं पढ़ूंगा, 6 से 7 बजे तक मैं फ्रेश होऊंगा, 7 से 8 बजे तक मैं नाश्ता कर लूंगा। साथियों, ऐसा एक एक मिनट का टाइम टेबल बना देते हैं साथियों, वो टाइम टेबल उनसे एक दिन भी, सिंगल डे भी फॉलो नहीं हो पाता है। क्या है ये, क्यों नहीं हो पाता है वो फॉलो? साथियों, आपको आइडियल टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे टाइम मैनेजमेंट से संबंधित वीडियोस आज तक देखी होगी, ये नियम लगाओ, वो नियम लगाओ, ये नियम लगाओ। कोई नियम की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज का तय करना है, सुबह कितने बजे उठना है और रात को कितने बजे सोना है। सुबह उठना और सोना यह तय कर लो, टाइम से उठना और टाइम से सोना, ओके। और इसके बाद में जितना आपका समय आज तक चला आ रहा है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश करें। वो थोड़ा थोड़ा कैसे बचेगा, थोड़ा थोड़ा वो समय कैसे बचेगा, उसके लिए आपको एक दिन का टाइम टेबल बनाना है। सुबह 10 से 15 मिनट का समय आप इस बात के लिए निकालें, सुबह उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में हाथ मुंह धोकर आप सिर्फ 10 मिनट का समय इस बात के लिए निकालें कि आपको सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठने से शाम को सोने तक आपको कौन कौन सा कार्य करना है। उसके अंदर बिल्कुल आइडियल समय नहीं निकालें, जो आप करते आए हैं उसमें से, जो आपने 3 से 4 दिन तक का जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल में से जो आपको लगता है कि मैं इस समय को बचाकर मैं अपनी पढ़ाई में दे सकता हूं, मैं अपने प्रोजेक्ट पर दे सकता हूं, मैं अपने किसी जरूरी काम के लिए दे सकता हूं, तो आपको केवल उस समय को शिफ्ट करना है। मीडिया आपको एक्स्ट्रा समय नहीं बनाना। जब आप एक दिन की सारणी बना लेंगे और उस एक दिन को आप फॉलो कर लेंगे, फिर आप दूसरे दिन की सारणी बनाएं, उस दूसरे दिन को फॉलो करें, फिर आप तीसरे दिन की सारणी बनाएं, उस तीसरे दिन को फॉलो करें, ऐसा करते हुए आप एक सप्ताह तक एक एक दिन की सारणी तैयार करें। एक सप्ताह, एक ही दिन बनाने बैठने मत जाना, कहीं एक ही दिन पूरे सप्ताह की आप बना लें कि मुझे एक सप्ताह तक ये काम करने, आपका टाइम टेबल नहीं फॉलो होगा। ये तय है, लिख के देख लो आप। साथियों, आपको केवल वन डे की टाइम टेबल बनाना है, वन डे का शेड्यूल बनाओ आप कि सुबह उठा और सुबह उठने के बाद में 10 मिनट तक मैंने इस टाइम को, पूरे दिन के टाइम को शेड्यूल किया कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक यह काम करना है। उसमें भी आपको आइडियल नहीं बनाना, जो काम आप करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। जब आप इस प्रोसेस को वन डे टाइम टेबल को आप एक सप्ताह तक फॉलो करेंगे, तब आप उस समय सारणी के अंदर आने के लिए ढलना शुरू हो जाएंगे, जब आप ढलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब उस एक दिन के समय सारणी में भी क्या तय करना है, इंपॉर्टेंट बात, इसको एक मैट्रिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें मैंने 4 चीज दिखाने की कोशिश की आपको। अर्जेंट, कि कौन सा काम है जो आपको तुरंत अर्जेंट करना ही करना है, एक तरफ मैंने दिखाया है नॉट अर्जेंट, एक तरफ मैंने लिखा है इंपोर्टेंट, अर्जेंट एंड इंपोर्टेंट, और दूसरा है अर्जेंट एंड नॉट इंपोर्टेंट। यानी कि पहला जो आप इसमें देख सकते हैं स्क्वायर में, जिसके अंदर पहला है कि अर्जेंट भी हो और इंपोर्टेंट भी हो। जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और उसमें आपको डेडलाइन में आपको करना ही करना है, तो आपने, यानी कि वो अर्जेंट भी है प्रोजेक्ट और इंपोर्टेंट भी है, तो आपको उस प्रोजेक्ट का काम पहले करना है। जैसे मान लो कोई एग्जाम है और वो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अर्जेंट भी है और इंपोर्टेंट भी है, तो पहले उस एग्जाम को कंप्लीट करें आप। मान लो कोई बिल पेमेंट करना है तो वो अर्जेंट भी है और इंपोर्टेंट भी है, बिल की मान लो लास्ट डेट आज, तो वो अर्जेंट और इंपोर्टेंट में आएगा, उसका बिल पेमेंट करना ही करना है। अब जैसे मान लो बिल की लास्ट डेट 15 दिन बाद में है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, ठीक है, तो वो कौन से स्क्वायर में जाएगा, सेकंड में।
यानी कि इंपोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, यानी कि आज ही करने का नहीं है, उसमें 5-7 दिन का अभी गैप है, तो वो आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्क्वायर क्या कहता है, इंपोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि नोट्स बनाना, आपने देखा कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि अभी तुरंत ही बनाए जाए, ठीक है। अगला, जैसे कि कोई वीडियोस, आप कोई वीडियोस बनाते हैं या वीडियोस देखते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है, यदि आपने ये सेट कर रखा है कि मुझे ये वीडियो देखना है तो इंपॉर्टेंट तो है बट अभी देखना है, यह अर्जेंट नहीं है। यानी कि आपके पास जब कोई यूजुअल समय होगा, जब कोई आपको ऐसा लगे कि मुझे अब रिलैक्स करना है, तब आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज करनी है तो इंपॉर्टेंट तो है कि आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन पहले अर्जेंट कार्य, तो जो नॉट अर्जेंट है उसमें हम रख सकते हैं। अब थर्ड स्क्वायर क्या कहता है कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी अभी करना है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो आपको समय मिल जाए उसमें तुरंत प्रभाव से कर दीजिए, यानी कि उसके लिए ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को मेल करना है, भाई अर्जेंट मेल करना है, तो तुरंत प्रभाव से 1 मिनट का समय निकालकर उसको तुरंत मेल कर दिया जाए। किसी को फोन करना है तो अर्जेंट फोन करना है तो तुरंत फोन करके फोन काट लीजिए। कई लोगों को आपने देखा होगा फोन पे लंबी बातें चलती रहती है, तो अपने फोन पर एक रिमाइंडर लगाना शुरू करें, जो रिमाइंडर आप 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे का, जिसके अकॉर्डिंग आप बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 5 मिनट का, 10 मिनट का ऐसे रिमाइंडर लगा दो। 5 मिनट का रिमाइंडर होते ही वो ऑटोमेटिकली, कई बार तो फोन के अंदर ये फैसिलिटी आती है कि उसके अंदर आधा घंटे होते ही फोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों के साथ गपशप करने लग गए तो फोन चलता ही रहता है, 1 घंटे तक 2 घंटे तक फोन चलता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि मीटिंग्स, जैसे मान लो कोई अर्जेंट मीटिंग लेनी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको यूजुअली ले सकते हैं आप ऐसे, आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर आप उसमें ज्यादा समय वेस्ट ना करें। अब कई काम ऐसे होते हैं जो ना तो अर्जेंट होते हैं ना ही नॉट अर्जेंट होते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी को दोस्तों के साथ फोन करना, मूवी देखना, कोई गेम खेलना, तो ना तो वो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आपका रिफ्रेश करने का मन करे तब जाकर ये सारी चीजें आप चौथे स्क्वायर के अंदर जो चीजें हैं वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने जो कार्य हैं, जो आप काम कर रहे हो, उसको इन भागों में बांटना सीखो। अगर आपने जो इस तरीके से लिस्ट बना ली कि कौन सा अर्जेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बना ली, तो आप ऑटोमेटिकली उनको महत्व देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यही चीज टेक्निक अप्लाई होती है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और उसका वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है, इंपॉर्टेंसी ऑफ वेटेज, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और उसका वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है बट उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। और कोई टॉपिक ऐसा हो जो टफ भी है और उसका वेटेज भी कम है, तो आप उसको हल्के में ले सकते हैं, उसको छोड़ना तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन उसको आप हल्के में ले सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाए उस टॉपिक पर, ठीक है। अब आपने एक दिन की समय सारणी 1 सप्ताह तक चला ली, अब जो ही अगले सप्ताह में आप आए तो फिर 1 सप्ताह की समय सारणी बनाए, क्योंकि आपको इतना एहसास हो जाएगा 1 सप्ताह तक, 1-1 दिन की समय सारणी बनाने पर आपको इतना एहसास हो जाएगा कि 1 सप्ताह में आप कितना समय कहां दे रहे हैं, ठीक है। तो जो ही आपको 1 सप्ताह की समय सारणी, और 1 सप्ताह की जो समय सारणी बनाए इसको भी आपको आइडियल समय सारणी नहीं बनानी है, यानी कि 1-1 मिनट 1-1 सेकंड की समय सारणी नहीं बनानी है, आप अपने आप को जो रिलैक्स लेते हो वो रिलैक्स लेने का भी समय आपको उसमें निर्धारित करना है, उसमें लिखना है, ठीक है। अब जो ही आप 1 वीक की समय सारणी बना ले तो ऐसा आप 4-5 वीक कर सकते हैं, ठीक है, 4-5 वीक कर सकते हैं इस तरीके से समय सारणी बना के। अब इंपॉर्टेंट बात, कई लोगों को आपने देखा होगा कि लंबी समय सारणी बना लेते हैं, पूरा शेड्यूल तय कर देते हैं 1 महीने का। माय डियर फ्रेंड्स, 1 महीने का 2 महीने का 6 महीने का शेड्यूल यदि आपने बना रखा है तो वो फॉलो नहीं होगा,
क्योंकि उसके बीच में भी कई सारे इम्पोर्टेंट काम आ जाते हैं और उन कामों के अंदर ऐसा महसूस होने लगता है कि एक दिन की पेंडेंसी, दो दिन की पेंडेंसी और फिर बाद में वो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो केवल एक सप्ताह की जो समय सारणी है वो बनाएं और फिर उसके अगले सप्ताह पर फिर दोबारा से समय सारणी बना लें, ठीक है। फिर दोबारा से अपना शेड्यूल तय कर ले कि मुझे ये एक सप्ताह का ऐसा शेड्यूल रहेगा, ठीक है। और फिर यदि जैसे मान लो कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है जो आपको एक महीने तक बाद में देना है, कोई प्रोजेक्ट है जो आपको दो महीने बाद में देना है, ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम टेबल ले लो। जैसे कि मेरे को डेडलाइन है, मान लो एग्जाम है दो महीने बाद में, ठीक है, तो पूरी दो महीने की आप रणनीति बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट आपको डिपॉजिट करना है और उसका टाइम आपके एक महीने का है, ठीक है, तो वो एक महीने का उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसमें भी आपको मार्जिन लेकर चलना होगा। जैसे मान लो 30 दिन, एक महीने बाद में आपको कोई प्रोजेक्ट पेश करना है, तो 30 दिन का समय सारणी नहीं बनाएं, उसमें आप जो समय सारणी बना रहे हैं उसको टारगेट से पहले ही, टाइम से पहले ही आप उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है बीच में कभी आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए, हो सकता है बीच में कभी कोई अर्जेंट वर्क आ जाए जिसको आप उसको इग्नोर नहीं कर सको। तो ऐसे समय के लिए आपको, जैसे एक महीने का टाइम टेबल है तो आपको उसको 25 दिन में ही कंप्लीट करने का ऐसा शेड्यूल तैयार करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर। कई लोगों को आपने देखा होगा कि समय नहीं है, समय नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि उनके पास समय उतना ही है जितना बाकी लोगों के पास होता है, लेकिन उनको समय प्रबंधन करना नहीं आता है। वो कैसे करें समय प्रबंधन? और समय प्रबंधन के करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत यह है कि क्यों करें भाई साहब, समय प्रबंधन क्यों करें? तो इसलिए आपको यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। इसमें आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपना जो टाइम टेबल आप जो आज तक चला आ रहा है उस टाइम टेबल में वांछित परिवर्तन करके आप अपने आप को बेहतर रिजल्ट की तरफ ले जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और देखो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। आपको काम भी वही करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है और उस तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके को आज तक आपने नहीं अपनाया है। यदि आपने अभी तक समय प्रबंधन नहीं किया है तो आप अपने समय को पहले ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद में उस समय को एक एक दिन करने का शेड्यूल करें। मुझे लगता है कि यदि आप एक एक दिन के अकॉर्डिंग शेड्यूल करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा मैं किसी वीडियो को देखकर नहीं, मैं अपने आप के ऊपर जिस टेक्निक को अप्लाई करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, उस टेक्निक को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको कि जिंदगी में यदि आपने पैसा बर्बाद करने से, जिंदगी में आप केवल पैसा यदि बर्बाद करते हो तो आपके पास केवल पैसा ही नहीं होगा, लेकिन यदि समय बर्बाद कर दिया आपने तो आप जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म कर देते हो माय डियर। यदि आप समय बर्बाद करते हो तो जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खत्म कर देते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूं, हमेशा कहता रहता हूं कि जिंदगी में समय की बहुत बड़ी कीमत है। और एक बात और कहता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। माय डियर फ्रेंड्स, समय बलवान है, समय अपनी नजाकत को हमेशा दिखाता रहता है, इसलिए समय की नजाकत को समझें। ये हमारा फाउंडेशन है, द लाइफ सॉल्यूशंस फाउंडेशन। इसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग करते हैं। यदि आपको समय प्रबंधन में फिर भी कोई दिक्कत है या समय प्रबंधन के अलावा और भी कई तरीके की दिक्कतें हैं तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको दिए हुए हैं और आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। साथियों, अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहे आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसते रहें, तालियां बरसते रहें
तालियां बरसते रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर इसको पहुंचाएं और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जो ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप उनका फायदा उठा पाएंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूं, नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड, नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड, नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।